एक तरफ सरकार जहां प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धरातल पर कहीं न कहीं ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण अंचल की तमाम सड़कें जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, स्कूली बच्चे व कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी इस गड्ढे भरी सड़कों से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर कई बच्चे साइकिल से लेकर जाते हैं स्कूल, तो वहाँ चोटिल भी हो जाते हैं। हमारे संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया ने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की, आइए देखते हैं हाटा से खास रिपोर्ट। अभी तक हमारे गांव में कोई प्रतिनिधि भाजपा के चाहे कोई भी नेता नहीं आया, पर एक बार राधेश्याम सिंह आए थे जिनके द्वारा ये रामपुर झुड़िया से जनता इंटर कॉलेज सिरसिया तक रोड बना था। तब से 8 साल से अभी तक कोई इस पर रिपेयरिंग कार्य नहीं हुआ है। आना ही कोई अधिकारी पूछने आता है कि मतलब कैसे आप लोग रहते हैं, कैसे चलते हैं। सारे बच्चे इसी गड्ढे में होते हुए स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और सारे लोग कई बार तो बुजुर्ग कई लोग साइकिल वाइकिल लेके गिर जाते हैं। यहाँ पे बरसात में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार सांसद और विधायक को ज्ञापन भी दिया गया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ इस पर। मतलब ये है कि रामपुर झुड़िया चौराहा से लेके सिरसिया स्कूल तक, सिरसिया नंबर 2 स्कूल तक पूरा गड्ढा से तब्दील है, और बच्चे सब स्कूल जाते हैं, चाहे हम ही लोग स्कूल जाते हैं, तो उसमें गिर के चोट लग जाता है। उसमें समय मौजूद हाटा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं बता दूं कि सरकार का दावा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि हाटा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जो कि जर्जर हो चुकी हैं और गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। और इस समय स्कूल चालू हो गया है, जो कि स्कूल के छात्र छात्राओं को आने जाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। वहीं जनता का कहना है कि ये रोड 6 से 7 साल पहले बना हुआ है और इस रोड को अभी तक किसी इसकी मरम्मत नहीं की गई। मैं TV1 इंडिया से सत्यनारायण चर्चिया, गोरखपुर मंडल ब्यूरो।